आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर एम टी टीवी। देखिए बेटा, आपके पास अभी सेकंड एनुअल एग्जाम हुआ और उसमें केमिस्ट्री का पेपर था, तो बेटा सबसे पहले तो बताएं कि आपके पास जो पेपर हुआ है तो उसमें चैप्टर 13 और 14 में से ज़्यादा सवाल आए हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से? ऑर्गेनिक में से आए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से जैसे चैप्टर नंबर 16 का हाइड्रोकार्बन है और चैप्टर नंबर 20 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी कोई आम क्वेश्चन आया कि नहीं? क्वेश्चन नहीं आया। और पहले वाला जो पेपर वो आसान था या अभी जो पेपर हुआ है वो? अभी जो पेपर वही आसान था। आसान था। अच्छा बेटा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे भाई ने कहा कि किसी बात से किसी बात के मुकाबले का पेपर आसान था, और बहुत से बात यही है कि अच्छा लोग देश जो आ गया है उसके लिए बेहतरीन कदम हमने उठाया है, लेकिन उसके लिए ये है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि एक एक सीक्वेंस के साथ अगर चलते तो इनको पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाता कि वो ऐसे लोग के मुताबिक पढ़ा सकें, और फिर इस स्टेप को हमारे एग्जामिनेशन में डाला जाता। लेकिन बहरहाल इस बार जो पेपर हुआ है पिछली बार की नस्बत आसान था। अच्छा हुआ जी। अच्छा, इस बार प्रैक्टिकल में दे रहे हो कि नहीं दे रहे? नहीं, प्रैक्टिकल में फुल नंबर है। तो वो अच्छा, आपको पता है फेडरल बोर्ड ने इस बार ये भी किया है कि प्रैक्टिकल खत्म करके पेपर करने जा रहे हैं, तो ये क्या अच्छा स्टेप है? अच्छा नहीं है। ठीक है जी। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे मैं सरकारी स्कूल में हूँ तो यहाँ पे प्रैक्टिकल उसका कराए नहीं जाते, या तो उसके पॉइंट भी अच्छा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि क्योंकि अगर जो हमारा प्रैक्टिकल लेने वाला होता है वो अगर ऐसा हो गया होता है कि आप ये करके दिखाएंगे, हमें कराया ही नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये है कि सबको पता है प्रैक्टिकल कैसे होता है, तो उस हिसाब से ये। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? पेपर तो बहुत आसान था, पेपर इजी था। ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, कहाँ से है, बुक में से था, बाहर से था? ऑब्जेक्टिव बहुत डिफिकल्ट था। कितने नंबर आ सकते हैं? और कितने लॉन्ग क्वेश्चन ठीक हुए? अच्छा, टीचर देखने वाले जितने भी हमें क्या कहेंगे कि सर जी अच्छे नंबर देने हैं या अच्छे नंबर मार्किंग के? अच्छा बेटा, आप क्या कहें? बहुत अच्छा पेपर हुआ। क्या कहेंगे, मतलब आ जाएंगे कोई कार से? पता नहीं, इसके बाद क्या कार? अच्छा जी, देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पेपर जो है ना फेडरल बोर्ड नो डाउट आसान बना रहा है, लेकिन देखना चाहिए कि इस वक्त टीचर चेक करेंगे। इनसे रिक्वेस्ट है, खुदा रहा ये बच्चे जो है ये इम्प्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो इनको काइंडली नंबर लाजमी दें। ठीक है, खाम खाम में वो जो पॉइंट शारिया में नंबर है ना वो ना दें। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने कुछ लिखा है ना तो उसको नंबर देने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए उनके खाम खाम में नंबर काट दें। तो क्योंकि देखें वो एक बच्चा इंप्रूवमेंट दे रहा होता है ना या सप्ली दे रहा होता है वो बड़ा तंग आके दे रहा होता है, और अच्छी खासी 2700 रुपया फीस भर के फिर उसके बाद अगर पेपर दे और उसके बाद टीचर खाम खाम में नंबर काट दे। कुछ ऐसा भी हुआ है फर्स्ट टर्म के अंदर एग्जाम में कि बच्चे कहते हैं सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन नंबर जब आए तो सर जो मेरी नकल लगा रहा था ना वो पास हो गया, हम फेल हो गए। तो ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लाजमी बात है। उसमें बोर्ड का तो थ्रू नहीं है, बोर्ड है एक्चुअली कंडक्टिंग बॉडी है, बोर्ड सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है। इसमें जो टीचर चेक कर रहे होते हैं ना उनका बड़ा कमाल होता है, तो उन्हें ये चाहिए खुदा रहा ये अपने बच्चे समझें और इनको नंबर दें। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है बाकी पेपर भी आप लोगों को अच्छी है। और लास्ट में फिर आर एम टी को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।